नहीं, वो कीड़ा तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमने वो उसे पर सब हाथ साफ कर लिए थे। कुर्सी पे बैठने के बाद अपने आप पॉलिटिक्स बन जाती है, क्योंकि माहौल, सराउंडिंग, लोग इस तरह से राजनीति खेलते हैं। मुझे ऐसी डांट पड़ी, ऐसी थप्पड़ पड़ी कि वो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि बात तो निकालनी ही। सिंपैथी के मोड़ पर मत जाना, क्योंकि आपको सिंपैथी सिर्फ 2 मिनट की मिलती है। वही टूल को अपने एनर्जी में इस्तेमाल करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता, और आज मैं आपको मिलाने वाली हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ किया है। जी हां, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका नाम आता है। उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है अपना प्रोडक्शन हाउस और साथ ही में आर्ट, एंटरटेनमेंट और कल्चर को एक नई दिशा दी है। जी हाँ, वो काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन है, और वुमेंस डे पे ऐसी इंसान से बात करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। सबसे पहले स्मिता जी, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 1997 से लेके 2023 तक का सफ़र कैसे आप देखते हो? हसीना मान जाएगी से लेकर अब जवान तक ये प्रोडक्शन हाउस जो आपका चल रहा है, इसको एक्चुअली जब 97 में मैंने हसीना मान जाएगी प्रोजेक्ट हुआ हमारे हाथ से, वो भी ऐसे हो गया, जस्ट एज फ्लुक हो गया। इनफैक्ट मेरे बड़े जो देवर थे, उन्होंने एक फिल्म करी थी, सपूत नाम था उसका, तो वो सब देख के एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही लगाव है और प्यार है, और उनका लगाव और प्यार देख के मुझे लगा। और मैं एक्चुअली कॉलेज में, स्कूलों में काफ़ी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी, तो अंदर से कहीं ना कहीं वो कीड़ा था, और उसमें मुझे लगा कि चलो, मुझे लगता है कि ये मेरे बड़े बेटे की एक इच्छा थी कि मम्मा हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग भी एक फिल्म बनाते हैं। और तभी मैं प्रेग्नेंट थी, इनफैक्ट उस वक्त मैंने वो बात दिमाग में रह गई थी, और मैंने सोचा कि मैंने साहब को जाके बोला कि मैं भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी फिल्म बनाऊँ, तो बोलते कहाँ एक अचानक से फिल्म इंडस्ट्री में आपको घुसना है, वहाँ के लोग शायद तुम हैंडल नहीं कर पाओगी ये वो। तो मैंने बोली नहीं, आप हो ना, फिर आप मुझे क्या इतनी मुझे डर नहीं है किसी का। तो खैर हंसने लगे वो, तो कहते कि चलो तुम्हारी वो इच्छा है तो कर लो। और मैं जाके डेविड जी को मिली, और इनफैक्ट उस वक्त चीची जो गोविंदा हमारे घर पे आते थे काफ़ी बार, तो मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी, और उनको मैंने कहा कि अगर पिक्चर करनी है तो मुझे इनके साथ ही करनी है। और एक फिर डेविड ने और हमने बैठ के कहानी के बारे में कुछ सोचा, और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। खैर डेविड जी का काम करने का तरीका है कि वो कहानी का एक सिर्फ खाँचा सुनाते, और वो मैंने सोचा कि इतना एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर है और उसके साथ में वो अच्छी पिक्चर बनाएंगे। मैंने उन पर ब्लाइंडली फेथ रखा, और एक जो वो जर्नी थी कि हसीना मान जाएगी बन गई, जो संजू भी तभी जेल से आ चुके थे, उन्होंने भी इमीजिएटली हाँ कह दिया। और उस वक्त एक चैलेंज ये था कि ये जो रोल था वो कॉमेडी रोल था, और हमने मिस मैंने डेविड जी को कहा कि संजू ही चाहिए, तो बोलते वो मिस तभी थोड़ा सा हम सभी ने सोचा कि अरे संजू ने तो कॉमेडी रोल अभी तक किया। मैंने बोली नहीं, बिकॉज उसका मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा जम जाएगी, और ऊपर वाले की दया से खुदा ना खास्ता वो इतनी फिल्म चली और दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगी। खैर वो जब जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो जो जर्नी का जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें और कॉन्फिडेंस आता है। और उस वक्त जब वो फिल्म हिट हो गई, गाने उसके हिट हो गए, और सभी ने उसको मिस करिश्मा कपूर, और इन्होंने हमने लिटरली बहुत मज़ा की फिल्म मेकिंग के दौर पर, मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इसमें ही रहना है और इसमें और कुछ चीज़ें करनी है। बस वहीं से शुरुआत हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आप प्रोड्यूसर के बतौर पर, तो हम आपको देखे इतने सारे जो है कारोबार तब से चली रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि मैं भी एक डेब्यू कर लेती हूँ या मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, कभी एंट्री जो है डेब्यू कर लेती हूँ, एक्टिंग कर लेती हूँ, ऐसा कभी ध्यान में नहीं आया? नहीं, वो कीड़ा तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमने वो उसे पर सब हाथ साफ कर लिए थे।
पर मौका जब एक बार आया था तभी हमने किसी बहुत यश चोपड़ा जी के भाई ने मुझे छुट्टी दी तभी पूछा था, तभी मैंने जाके एकदम खुश होके अपने पिताजी को जाके बोला कि मतलब मुझे ना ऐसे ऐसे एक्टिंग के लिए बोल रहे हैं। मुझे ऐसी डांट पड़ी, ऐसी थप्पड़ पड़ी कि वो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि बात तो निकालनी ही वो है, मुश्किल है। तो खैर, पर ऊपर वाला कहीं ना कहीं मुझे ये इंडस्ट्री से जुड़ाना चाहता है, तो ये हसीना मांझी का मौका मिला और वो हमने करने की, जो क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक को जो जिद होती है ना, उसको कहीं ना कहीं ऊपर वाला मौका देता है हम लोग को पूरा करने का। तो ये मुझे मिला ऊपर वाले की दया से, और अभी तो नहीं सोचा है पर शायद आगे जाके पता नहीं क्या। एग्जैक्टली, वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अभी आपने ये तो कह दिया कि कैसे आपका प्रोडक्शन हाउस का सफ़र चालू हुआ, लेकिन अगर वही मैं आपसे पूछूं सोशल एक्टिविस्ट बनने का, ये कब जहन में आया, ये वाला जो है आपका अलग कीड़ा समाज के लिए देश के लिए, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये इसकी स्टोरी इसकी जर्नी क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम सब महिलाएं, या इसको प्रॉब्लम कहे या उसको हमारा एसेट कहे, हम लोग थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। और हमारे पास किसी ने अगर सॉफ स्टोरी कही या उनकी उनकी कुछ अंदर की बातें हमसे शेयर की, तो हमको ज़रूर लगता है कि अरे हम अगर उसके कुछ काम आ जाए तो। मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप ने भी हमेशा यही कहा है कि भले तुम्हारी काबिलियत कितनी भी हो, इतनी छोटी सी भी हो, पर कहीं ना कहीं कुछ समाज के लिए करते रहना चाहिए। और वो हम कॉलेज में थे तभी भी हम लोग करते रहे, या बाकी छोटा छोटा जब मौका मिलता था तभी। पर ख़ास तौर पर मेरी शादी के बाद जब थोड़ा बहुत कई बार अकेलापन होता है, तभी मुझे वापस से वो ये लगता है कि नहीं, दूसरों का दुख देख के शायद मैं अपना दुख भूल जाऊँ। और ये एक टूल है हर किसी के लिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमको कई बार ऐसे कि मैं इतनी दुखी हूँ, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, और ज़्यादातर मैं औरतों को यही कहना चाहूँगी कि सिंपति के मोड़ पे मत जाना, क्योंकि आपको सिंपति सिर्फ 2 मिनट की मिलती है। वही टूल को अपने एनर्जी में इस्तेमाल करना और कुछ न कुछ ठान लेना कि मुझे ये चीज़ करनी है ज़िंदगी में। समाज सेवा तो समाज सेवा करनी है, भले छोटी सी हो, जाके मिलो, अपने हॉस्पिटल में मिलो, बच्चों को मिलो, गांव में जाके मिलो, इतना तो आप कर ही सकते हो कहीं ना कहीं जाके। उनको जब मिलते हो और उनके उनसे जब आमना सामना होता है, वो एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है ना, वो खुशी देता है। वो कहीं ना कहीं को उसका बयान कोई नहीं कर सकता। अगर जेन्यूनली आपको समाज सेवा या किसी का दुख बांटने की आदत हो, या किसी का दुख बांटना अच्छा लगता है, तो खैर वो हर मोस्टली हर नारी में होता है। यही सोच समझ के मैंने लोगों तक पहुँचने की कोशिश की, और फिर साहब के एनकरेजमेंट से, या साहब ने मुझे कहा कि एक प्लेटफॉर्म फॉर्म कर दो, उन्होंने नाम दिया, उन्होंने लोगो दिया, तो एक सपोर्ट मिल गया। एक साहब बाला साहब जी का जैसे व्यक्ति ने मुझे सपोर्ट दिया उस वक्त, खैर मैं उनकी बहू थी, पर फिर भी उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा, और हर चीज़ में मुझे उन्होंने सपोर्ट दिया। आज मैं उस घर की बहू मानी जाती हूँ, या जो इज्जत मिलती है उसमें उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ या आपके सामने बैठी हूँ। तो ये सब चीज़ें हमको जब मौका मिलता है ज़िंदगी में, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वो हर एक को आना चाहिए। और अच्छे अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई अपॉर्चुनिस्ट बनो या किसी का बुरा करके उनको नीचे डाल के आप ऊपर चले जाओ, वो सब चीज़ें मेरे से नहीं होती है, या किसी से भी नहीं होगी शायद जो अच्छा सोचता है। बात करूँ तो मैं काफ़ी कुछ समाज में आपने किया है, भले वो HIV एड्स से लेकर हो या फिर जो है नारी के लिए हो, और बहुत ही एम्पावरमेंट एजुकेशन हर जगह जो है, कुछ ना कुछ तो आपने जितना कंट्रीब्यूट किया आपने हर तरीके से किया। लेकिन अगर बात करूँ ये वुमेंस डे की, तो ये वुमेंस डे आप क्या कह रहे हो, अगर वुमेंस के लिए कुछ आपको मैसेज देना होगा स्पेशली, तो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हो उन वुमेंस के लिए?
एक्चुअली विमेंस डे का एक नाम होता है, मैं तो हर रोज नारी को सलाम करती हूँ, हर एक जैसे कि आपको अभी कहाँ जितनी भी महिलाएं मुझे मिलने आती है तो कहीं ना कहीं मैं उसमें कुछ चीज़ें टटोलती हूँ, ढूंढती हूँ, उसे सीखती हूँ, महिलाएं नहीं बच्चों से भी सीखती हूँ। आज मेरे बच्चों से भी मैं काफ़ी कुछ, जो सोशल मीडिया ये वो चीज़ें मेरे को बिल्कुल आती नहीं थी ना, अभी तक आती है ऐसे भी नहीं है, पर ठीक है, ये सब सीखना चाहिए आज के तौर पर। और तो एक आदत है से हर चीज़ में, मुझे अगर कोई मीटिंग में भी जाती हूँ, नया सब्जेक्ट होगा तो उसको मैं पूरा मेरे लोगों को लगाती हूँ, मेरे को खुरीद नो कहीं हम कम न पड़े, हमारा ज्ञान कम ना पड़े, तो ये मेरा एक थोड़ा स्वभाव है। और लास्ट टाइम हमने वुमेन कॉन्क्लेव किया था, तो आपकी मेरी सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ एक खासियत होती है, वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी थी हमने। इस वक्त हम अवार्ड्स दे रहे हैं, अवार्ड्स एक ऐसा पुरस्कार अगर कोई मिलता है तो हर एक नारी को या किसी को भी सम्मान मिलता है तो उसको और उस फुर्त से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है या अच्छा लगता है। और CM जो हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी है, वो ये शो के लिए आ रहे हैं हमको हमारा सबका हौसला बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हमारी अभी शक्ति और दुगनी हो गई है। मुझे पता है कि महिलाओं की भी शक्ति और दुगनी हो जाएगी। और जो धोरण उन्होंने वो शुरू किए हैं, अभियान शुरू किए हैं महिलाओं के लिए, बाल विकास के लिए, तो काबिले तारीफ़ है। तो मुझे लगता है कि ऐसी व्यक्ति अगर हमको कुछ अच्छे विचार हमसे शेयर करें। और दूसरा, हमने एक वीर सेनानी फाउंडेशन करके है, जो आर्मियों के सैनिकों के लिए, नेवी के सैनिकों, सबसे सब सैनिकों के लिए सोल्जर्स के साथ काम करती है। उनको लास्ट जब कारगिल का वो हुआ था, हादसा हुआ था, तभी भी हमने वीरांगना जो वीर पत्नी होती है उनको, उनके लिए हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके उनको दिया था। मिस ये बहुत मिस ऐसे कुछ कहने की बात नहीं है, बहुत हमने जो हमारे तरफ से जो भी हो सकता है, पर एक उद्देश्य होता है, वो एक इच्छा थी हमारे फाउंडेशन से हम ऐसे करते रहेंगे। तो हमने एक अभी भी 11 वीरांगना को बुलाया है, जो भी मुक्ति फाउंडेशन की तरफ से छोटा बहुत हाथ भार हम ला सकें। मकसद वो नहीं है कि उनको हम कोई पैसे की मदद करें, मैं मकसद ये है कि लोगों तक अवेयरनेस पैदा हो ये औरतों के बारे में, या हमारे सैनिकों के बारे में सोचते रहो, उनका त्याग सोचते रहो, हमारे देश में जो त्याग की वजह से आप और मैं यहाँ वहाँ घूम फिर रहे, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ये फाउंडेशन के साथ और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने फिर हाथ में लिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं यूनिफॉर्म वाली महिला को देखती हूँ और इतना गर्व महसूस होता है कि मैं सलाम करने को दिल करता है, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। और इनफैक्ट मैं जब फ्लाइट में जाती हूँ कभी और मुझे पता चलता है कि फ्लाइट उड़ाने वाली एक महिला है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उसको जाके मिलूँ, तो खैर एक अंदरूनी आनंद मिलता है मुझे। और ये सब चीज़ें बहुत कुछ सिखाती है और महिलाओं के लिए, तो उनके अंदर की शक्ति को मैं और ज़्यादा प्रेरित करना चाहूँगी ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स के ज़रिए। बस मेरे ख्याल से एक ही ज़िंदगी है, तो उसको अगर आप सही तरीके से हर एक दिन आप क्या कर रहे हो, अपने लिए तो जी रहे हो, अपने लोग अपने बच्चों के लिए जी रहे हो ये वो, पर दूसरों के लिए कितना जी रहे हो वो हिसाब किताब है ना, वो ऊपर लिखा जाता है। खैर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि फिल्मों में आपको कितना इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन हाउस है और प्रोडक्शन हाउस, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि इतने सारे मूवीज में आप कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं हर जगह, मतलब नाम तो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो दौर अभी बीच में चल रहा था लॉकडाउन के बाद से, ये बॉयकॉट बॉलीवुड और ये सारे ट्रेंड, ये सब आपको क्या लगता है कि वाकई इंडस्ट्री में आजकल ऐसी कुछ ओरिजिनल फिल्में बनी नहीं रही है, क्योंकि सब रीमेक ही जा रही है, या तो फिर पिक्चर एक वक्त था जब रिलीज नहीं हो रही थी, या फिर जो है लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी पिक्चरें आने के बाद भी जो है फ्लॉप हो गई, तो एज अ प्रोडक्शन हाउस एज अ प्रोड्यूसर वो आप किस तरीके से देखती हैं? अगर प्रोड्यूसर कहा जाए तो फिल्में बननी बंद नहीं होनी चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, पर
आजकल की ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि उनको अच्छा कंटेंट देखना पसंद है, क्योंकि OTT का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप कह रहे हो कि मैं थिएटर में जाके पिक्चर देखूं, अपनी फैमिली के साथ जाऊं, तो उतना खर्चा हमारे किसी को परवड़ना चाहिए, एक फैमिली को, एक मध्यम वर्गीय को नहीं परवड़ता। तो वो तभी जाएगा कि जब वो थिएटर में देखने लायक फिल्म हो। अभी साउथ की फिल्मों ने हमारा एक्सपेक्टेशन इतना ऊपर किया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर हुआ है। पर खैर, उसी तौर पे अगर साइमल्टेनियसली OTT को देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स, छोटे छोटे कंटेंट्स से लेके जो कि नामचीन हीरो हीरोइंस भी नहीं होते हैं उसमें, पर वो काफ़ी अच्छे चलते हैं क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं उससे। तो ये सब चीज़ें बदलाव तो ज़रूर लाया है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, पर मेरे ख्याल से थिएटर्स चलनी चाहिए क्योंकि उस पर उसके पीछे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। और एक फिल्म बनने के लिए, एक फ्लॉप बोलने के लिए तो एक मिनट लगता है, पर हमें पता है कि कितना वक्त और क्या एनर्जी, कितना पैसा, कितनी मेहनत उसके पीछे लगती है। तो मेरे ख्याल से हर किसी को मैं यही कहना चाहूँगी कि खामखा एक ने फ्लॉप बोला और तो दूसरे, ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना खुद का एक्सपीरियंस भी ले लो। अगर मैं बात करूँ तो वुमेंस डे स्पेशल के लिए, कि आपने ऑलरेडी लोगों के लिए इतना किया, महिलाओं के लिए इतना किया, नारी के लिए इतना किया, लेकिन काफ़ी कुछ उनकी भी स्टोरीज रहेगी जो आपके दिल को छू गई होगी, काफ़ी जो है उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आपने देखा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, आपकी पर्सनल निजी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आपने देखे, ऐसे वक्त में सबकी लाइफ में आता है डाउनफॉल और ऊपर नीचे, तो खुद को आपने कैसे हिम्मत दिया, खुद किससे प्रेरित हुए और वो आप किस तरीके से खुद की जर्नी देखते हैं? पता नहीं, एक तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैंने अंदर की शक्ति को टटोला, और मैं भी कई बार रोई हूँ, पर मैंने कोशिश की कि लोगों के सामने ना रो, अपने दुख लोगों को बता बता के, कुछ मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। पर ज़रूर ये है कि उतार चढ़ाव जैसे बाकी औरतों में होते हैं, और हर किसी के ज़िंदगी में काले दिन होते हैं जिसको हम कहते हैं, वो आते हैं, और मेरे ज़िंदगी में भी आए। पर मैंने, जो कि मैं स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा मानती हूँ, भगवान को मानती हूँ, कहीं ना कहीं ऊपर में एक शक्ति होती है उसको मानती हूँ, तो मुझे लगा कि उसमें से एक कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, और मिली। माँ बाप का आशीर्वाद से स्ट्रेंथ मिली, सास ससुर के आशीर्वाद से स्ट्रेंथ मिली, और अच्छा काम करो तो लोगों की दुआएं मिलती है आपको, अननोइंगली मिलती है, उसकी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो पता नहीं कहाँ से शक्ति आई मुझे, पर मुझे लगता है कि उसका सामना करने की, अभी तो ऐसा हुआ है कि कुछ किसी ने मुझ पर अगर उंगली भी उठाई, ज़्यादातर उंगलियां उठाते जब सिंगल वूमन होती है, और अगर आप अच्छा काम कर रही हो या कुछ, तो उसमें ज़रूर कुछ खोट होगी, ज़रूर इसके पीछे कुछ ये होगा, किसी ने कुछ दिया होगा इसलिए कुछ करा, इसका कुछ उद्देश्य होगा। खैर, ये सब चीज़ें, ये सब बोलते रहेंगे लोग, उस पर आप कितना ध्यान देना चाहिए, उसको, उससे कितना अफेक्ट होना चाहिए, वो आप पे निर्भर है। तो ज़्यादातर उससे टूट नहीं जाना चाहिए, उससे खचना नहीं चाहिए, इनफैक्ट उसको आप और एनर्जी बनाओ। चलो, किसी के नज़रों में मैं आ तो रही हूँ, कि कोई किसी के लिए मेरा इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको ऐसे लेना चाहिए। तो खैर, करते रहो अपना, और दूसरों को आज बोलेंगे कल बोलेंगे, उनकी भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म तो हो ही जाएगी। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है, और अगर आपके पास दुख नहीं हो तो सुख की वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें उतार चढ़ाव से ही ज़िंदगी, उसी बहुत खूबसूरती से ले लो उसको। काफी पॉजिटिवली आपने ये बातें कही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, आपका सरनेम जो है उसके ऊपर काफी वजन है, तो जब बस साहब थे तब से आप जो है इस फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो तब से आपने सेना का जो है चेहरा देखा है, शिवसेना कैसी थी, अब आप देख रहे हो कितना आपने पॉलिटिक्स को समझा है, क्या कुछ आपने सीखा है, और कैसे आप ये सफर देखती हैं तब से लेकर अब तक? मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि साहब जब थे तब के दिन सुहाने थे, और मिस बहुत ही मिस, एक एक दिन हम उनको मिस करते हैं, जो जद्दोजहद
उन्होंने अपना पक्ष फॉर्म किया या जो भी है, आज का माहौल देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और खैर कोई तो ऐसा वक्त आएगा जहाँ हर किसी को समझ होगी और अंदर के झगड़े ये वो सब ख़त्म करके एक सही राजनीति या सही राज्य चलाना अगर हमको देखने को मिलेगा तो हम सभी खुश होंगे, हम सबका भला होगा। और मुझे शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने का हक नहीं है क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, तो यही उम्मीद करूँगी जैसे एक आम व्यक्ति होती है तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि अच्छा राज्य देखने को मिले। और जो सरनेम अगर आप कहते हो तो सरनेम का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो कई बार इसको अच्छा ये तो ठाकरे थी इसलिए उसको ये मिला वो मिला वो मिला, पर कोई नहीं, वो तो अगर आप आपको अच्छाई या एडवांटेजेस मिलते हैं तो इसका सामना करने की भी आपको हिम्मत होनी चाहिए, तो कोई नहीं, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ। और मैंने इनफैक्ट वही सब चीज़ें सिखाती है ज़िंदगी में और सीखती आई हूँ। एग्जैक्टली वो तो आपने कहा, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो इंटर रिलेटेड ही होती है, जैसे कि अब आप जो वेलफेयर कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, समाज सेवा, ये सारी चीज़ें, तो अगर एक पॉलिटिकली आपको अगर सीट मिल जाए तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अच्छा होगा आपको, यू नो, और भी लोगों के लिए, और भी फीमेल वुमेंस की बात करूँ या सिंगल मदर्स की बात करूँ या किसी के लिए भी एज एन सोसाइटी, तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो आपने कभी नहीं सोचा कि यार अभी मुझे भी एक राजनीति में कदम बढ़ा लेना चाहिए, अब मुझे ज्वाइन करना चाहिए पॉलिटिक्स? नहीं, अब क्या, मैं तभी भी मैंने इनफैक्ट साहब को तभी भी कहा था, साहब ने मुझे दो बार राज्यसभा का प्रॉमिस भी किया था, तभी तो उन्हीं को बोल सकती थी कि मैं जाना चाहती हूँ या मैं कुछ अपना आवाज़ बनना चाहती हूँ, महिलाओं का आवाज़ बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने तब मुझे कहीं ना कहीं काबिलियत देखी और मुझे प्रॉमिस किया। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो जो उन्होंने प्रॉमिस करने के बावजूद भी वो ना कर पाए, वो क्या चीज़ें थी वो अभी मुझे उनको ही पता है और उनको मैं रिस्पेक्ट करती थी। उन्होंने जब कहा कि मैं नहीं कर पाया तब मैंने उनके शब्द को रिस्पेक्ट दिया। पर बात यही होती है कि अगर मौका मिले अभी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं कुछ करना चाहूँगी, अच्छा मौका मिले यही मैं उम्मीद करती हूँ। जी, कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आप भी जब अभी स्पॉट हुई थी एक नाथ जी के रैली में, तो ये कहा जा रहा है कि आप उन्हीं को पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, एक जो है नया गठबंधन होने वाला है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? मैं एक्चुअली हिंदुत्व के विचार से चलती हूँ और जो बाला साहब जी ने हिंदुत्व वही राष्ट्रीयत्व ये जो विचार हम सबको दिया है और उसी मुद्दे पे उनका गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ। और आज की तारीख में मैं हमारे पंत प्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी उनके विचारों से बहुत बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ और प्रभावित हूँ। जिस तरह से मोदी साहब ने ग्लोबली हमारे देश को लेके गए हैं, पहले जिस तरह से हमको इज्जत मिलती थी और आज जिस तरह से इज्जत मिल रही है उसमें काफ़ी तफावत है और ग्लोबली हमको एक रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो ये मैं मोदी जी के विचारों को बहुत सलाम करती हूँ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे उद्योगों को प्रोत्साहित किया है और हमारे लिए बोला जाए तो हम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत क्षेत्र में प्राधान्य दिया है और एक केंद्रित रखा है और महिलाओं को बहुत हर एक क्षेत्र में वो अपने अपने जगह उनकी काबिलियत के तौर पे जगह दिला रहे, तो वो जानते हैं कि अगर महिला को सक्षम करो तो देश सक्षम होगा और मैं उन्हीं विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिले उनके साथ काम करने का, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अगर उन्होंने मौका दिया तो मैं उसको ज़रूर हासिल करूँगी। और अगर बात करूँ मैं राजनीति की या पॉलिटिक्स की, तो उसके कई मायने होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप जब ये वर्ड सुनती हैं राजनीति, तो आपको क्या लगता है कि असली राजनीति क्या है और कैसी होनी चाहिए राजनीति, पॉलिटिक्स होता क्या है? एक्चुअली पॉलिटिक्स मुझे पता ही नहीं है वो पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ, शायद हर किसी को का अलग अलग नज़रिया है
और शायद वो कुर्सी पर बैठने के बाद अपने आप पॉलिटिक्स बन जाती है, क्योंकि माहौल, सराउंडिंग, लोग इस तरह से राजनीति खेलते हैं, अगर उनका सामना हम ना करें तो शायद हम कुछ कहीं कम पड़ते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उस बहाव में या उस फ्लो में आके शायद राजनीति करनी पड़ती है। पर अगर मुझे कहा जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि साहब ने जैसे राजनीति नहीं की थी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी राजनीति नहीं करूँगी। तो सरल सो ट्रांसपेरेंट रह के अगर काम करके हो सकता है, पर क्या होता है आगे आगे पीछे ऊपर नीचे, हम उनका उनको तो नहीं सोच सकते ना कि वो हमसे क्या करवाएंगे। तो कोई नहीं, वो सब चीज़ें जब मौका आने पे देखा जाएगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है, अगर महिला को बात करो तो उनको कैसे डिस्क्राइब करती हैं आपके लिए जो है वुमेन वो क्या है? अगर आपको किस बताना होगा कि नारी शक्ति क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है या वुमेन क्या है, तो आप किस तरीके से एक महिला के लिए डिफाइन करती हैं? एक डायलॉग है इनका संजय जी के काठियावाड़ का कि संपत्ति, सद्बुद्धि आणि नारी शक्ति, ऐसा। तो बहुत अच्छी तरह से ऑफ कोर्स आलिया ने बहुत अच्छी तरह से बोला उसको, पर ऐसे कई सारे रूप हैं नारी के, और हमारी धरती पे दुर्गा माता हर एक रूप दुर्गा का कहा जाता है उसमें। तो मुझे लगता है कि नारी में पहले तो ये समझना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अंदर शक्ति है उसका सही इस्तेमाल करो। जो भी अगर आपके कुटुंब के लिए आपको खड़ा रहना पड़ता है, या आपके पति नहीं है, या कोई बच्चों को संभालना है, आज मैं उस कुटुंब है, पर मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैंने अपने बलबूते पे अपने बच्चों को बड़ा किया है। मेरे दो बच्चे जो कि आज सिर्फ एक माँ के बच्चे करके कहते हैं या कहलाते हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनका जब ये सोच है, उनकी जब ये सोच है। तो मेरे ख्याल से हर किसी में एक शक्ति है, उसका सही इस्तेमाल करके घर का अच्छा करो और टूट ना जाना। वो पहली बात तो ये है कि हम इतना घिर जाते हैं अपने बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, खुद ब खुद अपने आप को भूल जाते हैं। और थोड़ा सा वक्त दो अपने आप को, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। ख़ास तौर पे ज़्यादातर अगर जैसी उम्र बढ़ती है, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा अंदर कहीं ना कहीं पुर्जे हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर वक्त पे ध्यान दो तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हमारे शरीर को एक मंदिर समझो। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो मैं प्रीच नहीं करना चाहती, पर कई बार औरतें भूल जाती है, अपने आप को ध्यान ही देना भूल जाती है। तो थोड़ा अपने आप को आईने में देखो और सराहो, अपने आप को खुश रखो आईने के सामने कि मैं इतनी अच्छी हूँ और मैं और अच्छी बनूँगी। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही भाव में बोल गई, पर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हर औरत को कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। बस कमज़ोरी उनकी सामने वाला उसका इस्तेमाल करता है और फिर उसका फ़ायदा उठाता है। थैंक यू सो मच मिताली, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।